हर माह पड़ने वाली पूर्णमासी तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अश्विन मास की पूर्णमासी उसका तो एक अलग ही महत्व है, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। एक साहूकार की दो बेटियां थी। वे दोनों बेटियां बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और हर माह आने वाली पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन वह अधूरा व्रत करती थी। वह नियमों का ठीक तरीके से पालन नहीं करती थी। उसका मानना था कि ये नियम क्रम एक आडंबर हैं और ऐसा मानकर वह उनकी अनदेखी कर दिया करती थी। जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हुईं, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा बताई। हे ब्राह्मण देवता, मुझे इस दुविधा से निकलने का कोई उपाय बताइए। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं माँ तो बनती हूँ लेकिन मातृत्व का सुख नहीं भोग पाती। उसकी पूरी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि तुम पूर्णमासी का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का पूरा फल तुम्हें नहीं मिल पाता है। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े के नीचे रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो बहुत डर गई और फिर अपनी छोटी बहन पर क्रोधित होते हुए उसे डांटने लगी। तुम ये क्या कर रही थी? मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष लगाना चाहती थी ताकि मेरे ऊपर जीवन भर का एक कलंक लग जाए। अगर मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता, इसकी मृत्यु हो जाती तो क्या होता? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन यह बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था। तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो उठा है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, जिसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो, उसी की वजह से इस बच्चे को जीवन दान मिला है। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधान से किया और उसके महत्व और फल को पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की दोनों बेटियों की मनोकामनाएं पूर्ण की और उन्हें सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सभी पर कृपा करें। शरद पूर्णिमा को हम कोजागिरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत अथवा ऐसे ही अन्य नामों से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, इसलिए उनका भोग लगाने के लिए हम खीर बनाते हैं और उस खीर रूपी प्रसाद पर
किरणों का अमृत समाहित करके उसे ग्रहण करते हैं। इस वर्ष 2023 में हम शरद पूर्णिमा का पर्व 28 अक्टूबर शनिवार को मनाएंगे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।